कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रभाव को लेकर अजमेर नगर निगम ने अब सख्ती करना शुरू कर दिया है। निगम की ओर से आज कोविड-19 गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर अजमेर के स्टेशन रोड पर वाइन शॉप, रेस्टोरेंट और मोबाइल शॉप को 2 दिन के लिए सीज कर दिया गया। इसके साथ ही 50 चालान भी काटे गए हैं। अजमेर नगर निगम आयुक्त खुशाल यादव, अतिरिक्त आयुक्त तारोमणि वैष्णव के साथ ही अन्य अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न मार्गों पर पैदल मार्च करते हुए सभी के दौरान आम जनता और दुकानदारों द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन की अवहेलना की जा रही थी, जिन पर कार्यवाही की गई है। निगम आयुक्त यादव ने बताया कि 3 संस्थानों को सीज किया गया है, तो वही 50 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाते हुए चालान काटा गया है। इस तरह की कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी और जिन क्षेत्रों में भारी भीड़ नजर आती है उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो लेटेस्ट डायरेक्शंस दिए गए हैं उनके अनुपालना में नगर निगम की टीम ने आज मार्केट एरियाज का सर्वे किया और सर्वे के अंदर जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं कोविड गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मास्क नहीं पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए नहीं रखना, तो इनके अगेंस्ट कार्रवाई की गई है। बहुत सारी पेनल्टीज़ भी की गई हैं, लगभग 50 लोगों के ऐसे चालान किए गए हैं। साथ के साथ 3 ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, एक MD मोबाइल है आपका स्टेशन रोड के पास, दूसरा दाना पानी एक कोई होटल रेस्टोरेंट है और तीसरा एक कोई लिकर शॉप है। तो तीनों के अगेंस्ट 2 दिन का सीजिंग एक्शन लिया गया है और शाम को भी हमारी टीम्स एक्टिव रहेंगी। जो जो आपके होटल्स हैं जहाँ पर शाम को पब्लिक जाती है, भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर 50% कैपेसिटी तक ऑपरेट करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालना पूरा करें, मास्क लगाए रखें, हाथ बार बार धोएं, यही हमारा आप सबसे आग्रह है। तो ये जो एक्टिविटीज़ हुई है ये एक इसलिए किया गया है ताकि बाकी सब लोगों के अंदर जागरूकता है और किस तरीके से हम ज़्यादा अवेयर हो सकें और जो सेकेंड वेव जो आने वाली है कोरोना की उसको किस तरीके से हम अंकुश लगा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।